ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के हैदराबाद में हुए ऑनर किलिंग की जोरदार शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे संविधान और इस्लाम के खिलाफ बताया है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुस्लिम महिला से शादी करने के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई और यह हत्या उस महिला के भाई और एक दूसरे रिश्तेदार ने बीच सड़क पर कर दी और सबके सामने। तो मुसलमानों में निकाह दो मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना, ये एक्ट है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाब उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को, मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं, ठीक है जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह दो मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है ये, याद रखो। डरो अल्लाह से, कुरान करीम की अलमायदा की सूरह अलमायदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुबहाना तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर, किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। तेलंगाना के हैदराबाद में एक हिंदू युवक की सिर्फ इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई कि उसने एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि खून से लथपथ एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। एक दूसरा आदमी लोहे के रॉड से उसे पीटने लगता है। एक महिला उसका विरोध करती है और जमीन पर पड़े आदमी को बचाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जमी भीड़ इसका विरोध करती है और हमलावर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तब तक जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति की मौत हो चुकी होती है। जमीन पर गिरे हुए और पीट पीट कर मार दिए गए इस व्यक्ति का नाम बी नागराजू है। जो महिला उसे बचाने की कोशिश करती दिखती है वह उसकी पत्नी सैयद अशरीन फातिमा है। समझा जाता है कि हमलावर फातिमा का भाई है। हैदराबाद पुलिस ने उसके दो भाइयों को अभियुक्त बनाया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार नागराजू और फातिमा ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वे एक दूसरे को कक्षा 10 से जानते थे। उन्होंने जनवरी में हैदराबाद के एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। फातिमा ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर पल्लवी रख लिया था। उसके परिवार ने कथित तौर पर नागराजू को धमकी दी थी कि उससे दूर रहे वरना अंजाम बुरा होगा।